সত্যিকারের ঘর বাপসি শুরু করল কংগ্রেস। এতে সুবল ভৌমিক, প্রকাশ দাস এবং দেবাশিস সেনকে দলে বরণ করে নিয়ে সাংবাদিক সম্মেলনে জানালেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি মহারাজা প্রদ্যোৎ কিশোর দেববর্মন। তিনি জানান, যারা ছেড়ে গেছেন তারা যদি পুনরায় দলে আসতে চান তবে মর্যাদার সঙ্গে স্বাগত জানানো হবে। প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি মহারাজা প্রদ্যোৎ কিশোর দেববর্মন আরও বলেন, কংগ্রেস ভবন কেবল ভবনই নয়, একটি মন্দির, এ মন্দিরে সবাই স্বাগত। कांग्रेस पार्टी में वापस आना चाहता है, जो भी कांग्रेस पार्टी का आइडियोलॉजी को प्यार करता है, समझता है, उनको आदर देकर हम कांग्रेस पार्टी में वापस लाएंगे। आज ये दूसरा कदम है, पहले तो समीर बाबू आ चुके हैं। समीर बाबू असल में पार्टी छोड़ के गए भी नहीं थे, लेकिन आज जो हो रहा है वो है परिवर्तन और वापस घर वापसी, जो बीजेपी बहुत कहता है, असली घर वापसी आज हो रहा है। कि हमारा जो मैसेज है किसी आइडियोलॉजी, किसी पार्टी के विरुद्ध नहीं है। जो भी कांग्रेस को छोड़कर गया है, मैं मीडिया के माध्यम से आपको हाथ जोड़कर मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि हमारा मैसेज क्लियर है कि हम जो भी घर से दुख होकर वो चले गए हैं, अगर उनको वापस आना है तो कांग्रेस पार्टी और उनका दरवाजा उनके लिए हमेशा खुला रहेगा। और ये कांग्रेस पार्टी एक मंदिर है, और यहाँ में जो भी आएगा उनको आप हम शरण देंगे और उनको इज्जत से, प्यार से पार्टी में वापस, कांग्रेस जैसा पहले था वैसा हम करेंगे।